ये देश की मीडिया दिखाएगी कि भी बीजेपी के ही नेता है? नहीं। और आपको दिखाएगी कैसी तस्वीर? एक अकेला मोदी, पूरा विपक्ष एक तरफ, 38 गो पार्टी के साथ मोदी अकेले है, 26 गो है पूरा झुंड। अरे 12 गो ज्यादा है अभी भी मोदी जी के पार्टी में टीम। अरे अभागा, कैसे प्रोपगेंडा फैलाते हो, शर्म नहीं आता है? रात में जब खाना खाते होगे और खाना नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अकेले एक मोदी जी और तमाम विपक्ष एक दूसरे टीम में, एक टीम में अकेले मोदी जी, दूसरे पक्ष में पूरा विपक्ष, और कैसे ये मैच हो रहा है रोमांचक। दोस्तों यही चीजें हमारे दिमाग में बार बार भरी जाती है। हमारी मीडिया हमें ये बार बार ये दिखाती है कि अकेला मोदी जी और तमाम केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, सारे ओवैसी, ये सारे एक तरफ, मोदी जी अकेला एक तरफ, और एक अकेला ने सबको रगड़ के रख दिया है। दोस्तों इसी से बढ़ती है अंधभक्ति। आइए हम जानते हैं सच्चाई। आप यहां पर देखिए, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये बैनर मैंने नहीं बनाया, ये इंडिया टीवी का है। ये इंडिया टीवी के जब आप देखते होंगे कोई भी प्रोग्राम, वहां पर या तो यूट्यूब चैनल पर या टीवी चैनल पर आपको ये बैनर दिखा, एक अकेला सब पर भारी। कैसे हुआ भारी एक अकेला, इस बात को जानिए। ये वीएस एनडीए, एनडीए मोदी जी वाली पार्टी और इंडिया राहुल जी वाली पार्टी, और अब जान लीजिए कैसे मोदी जी अकेले हैं। एनडीए और इधर है आपका इंडिया, एनडीए गठबंधन जो भाजपा वाली गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार की पार्टी है, ये तमाम पार्टियों को मिलाकर 38 पार्टी इस टीम में है। यानी इस टीम में 38 पार्टी एनडीए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में 26 पार्टी, कांग्रेस को लेते हुए टोटल 26 पार्टी आता है किसमें? इंडिया में। एनडीए और इंडिया 38 और 26 खिलाड़ी से खेल रहा है। अगर कहे तो इस टीम में टोटल 38 और इस टीम में 26, फिर भी मोदी जी अकेले हैं। वाह रे देश की मीडिया, तुम्हारी रैंक 161 ऐसे नहीं पहुंच गई। दोस्तों ये देश की मीडिया ऐसे ही 161 रैंक पर नहीं गई, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 180 देश में से यह मीडिया 161 नंबर पर 2023 में थी। 19 को सिर ही और गिरना था, फिर यह दुनिया की सबसे गिरा हुआ मीडिया घोषित हो जाता। आइए दोस्तों सोच के देखिए कि 38 और 26 तब भी मोदी जी हैं अकेले, तो आखिर क्यों करती है ये मीडिया इस तरह की खेल? आइए, एक अकेला मोदी विपक्ष पर पड़ेगा भारी। मैडम अंजना जी, हमारे नरेंद्र मोदी अकेले बेचारे, आई इधर देख लीजिए, हमारे अखिलेश जी, ममता दीदी, केजरीवाल जी, राहुल बाबा, सब एक तरफ, मोदी जी अकेले एक तरफ। आखिर ये मीडिया अपनी जमीर को ऐसे कैसे बेच देती है और कैसे लोगों के दिमाग में ये भरना चाहती है? सही बात, मोदी जी बेचारे अकेले हैं और सारा भ्रष्ट आदमी एक तरफ है, मीडिया हमारे दिमाग में ऐसे भरता है। दोस्तों आज हम बताते हैं आपको कि ये क्यों है और कैसे हुआ। पहले तो इस बात को जान लीजिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जब आया था उसमें भारत की रैंकिंग है 161, अभी 159 हुआ है, दो पैदान, बहुत मुश्किल से हम आप जब जितना विरोध किए इस वजह से थोड़ा सा सुधरा था, 159 गया 2024 में। 180 देशों में पिछले साल भारत 125वें, ये 23 का रिपोर्ट है, 150वें स्थान पर था, उसमें पिछले साल यानी 2021 में 142 स्थान पर, थोड़ा और पीछे जाए तो 2012 में 131वां स्थान था, और 2002 में जिस साल इंडेक्स का उद्घाटन हुआ था भारत 80वें स्थान पर था, और तब गिरते गिरते चला गया 161 रैंक। हाय रे मीडिया कैसे लिखती है, 24 के चक्कर में विपक्ष कितनी टक्कर में, एक तरफ अकेले मोदी जी को दिखाया जाता है, एक तरफ सारे खिलाड़ी, लेकिन इसमें भी ये खिलाड़ी भागे इधर, कैसे हुआ ये देखिए। मीडिया इंटरव्यू लेती है, मीडिया का भी खेल समझ लीजिए, पीएम मोदी का सबसे सॉलिड इंटरव्यू,
और थोड़ा सा पहचान लीजिए वो चेहरा, क्या बात है, गजब का पारिवारिक माहौल है। आप जरा इस फोटो को गौर करिए, जब इस फोटो को आप देखेंगे, हमारा गांव में जब कबड्डी कबड्डी आप खेलते थे, हम आप सब खेलते थे अपने गांव में कबड्डी खेल बच्चा में, तो इधर से कोई कोई खिलाड़ी ऐसा होता था कि खेलते खेलते आ उधर जाता था, आ उधरे अटक जाता था, कहता था उधरे से खेलेंगे। नीतीश जी कहे कि हम आते हैं रेड मार के, कबड्डी 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 करते गए, इधरे अटक गए, कहे कि अब हम इधर से। फिर भी हमारी मीडिया दिखाएगी कि मोदी जी अकेले हैं। पारिवारिक माहौल आपने देख लिया, अब बात को समझिए, जिसमें इंडिया गठबंधन में 26 गो पार्टी, इसमें 38 गो पार्टी, फिर भी इसको झुंड में दिखाती है, इसको अकेले दिखाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर से होता है दौरा, और एक हेलीकॉप्टर के खर्चा प्रति घंटा जानते हैं 50,000 से लेकर 60,000 इसकी प्रति घंटा, अगर ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं तब, एक दो घंटा के लिए अगर हेलीकॉप्टर किराए पर लीजिएगा तो आपको 2 से 2.5 लाख रुपए देना होगा, लेकिन अगर आप दिन भर रखते हैं तो 50,000 से 60,000 इसकी किराया होती है, और ये प्रति घंटा होती है, एक घंटा की किराया है। और सोचिए जब हमारी मीडिया 3-3 महीने चुनावी रैली में जब राज तिलक करवाती है हेलीकॉप्टर से, कहां से लाती होगी, प्रति 50,000 से 60,000 खाली घंटा किराया है, और कई सारे चार्जेज अलग से होती है। आप समझदार हैं, समझ गए होंगे दोस्तों, इस बात को समझिए कि अगर हमारी मीडिया ईमानदार होती तो कैसे थंबनेल लगाती, कैसे एक वीडियो बनाती, जब वो डिबेट करवाती या कोई इस तरह का प्रोग्राम करवाती तो उसमें कैसे दिखाती, अगर मीडिया होती निष्पक्ष। अगर ये पूरी टीम एक तरफ, इसमें से एक खिलाड़ी को हटा दीजिए, ये खिलाड़ी अब इधर टीम में है, इन खिलाड़ी को नीतीश बाबू को इधर भेज दीजिए, तो इधर भी लगना चाहिए था मोदी जी के साथ साथ, इधर भी पूरे टीम का खिलाड़ी, कैसे आरसीबी और चेन्नई सुपर किंग होता है तब विराट कोहली के फोटो आ गया, बाकी सब रहता है ना पीछे जी, उसी तरह धोनी उधर से रहता है, बाकी सब गायकवाड़ और सब रहता है ना, शिवम दुबे और सब रहता है ना पीछे से। अब देखिए ऐसे ही होना चाहिए था, इधर से कैप्टन फिर उधर से, और उसके बाद तमाम खिलाड़ी दोनों टीम के, प्रफुल्ल पटेल एयर इंडिया घोटाला 840 करोड़, इनकी फोटो नहीं लगाती है भाजपा, इन्हीं के टीम में 840 करोड़। यहां पर आपके अजीत पवार 70,000 1999 से 2009 सिंचाई घोटाला 70,000 करोड़ सिंचाई घोटाला भाजपा में शामिल, इनकी फोटो नहीं लगाई जाएगी। ये शर्मा जी, शर्मा जी अभी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, शारदा चीट फंड घोटाला में शामिल नहीं आएंगे। प्रज्वल रेवन्ना रेपिस्ट, इंडिया छोड़ के फरार जर्मनी, चुनाव हो गया ना है, चुनाव हो गया है तब भागा है, बीजेपी गठबंधन लगाएगी ये देश की मीडिया, दिखाएगी कि भी बीजेपी के ही नेता है, नहीं, और आपको दिखाएगी कैसी तस्वीर, एक अकेला मोदी, पूरा विपक्ष एक तरफ, 38 गो पार्टी के साथ मोदी अकेले है, आई 26 गो है पूरा झुंड, अरे 12 गो ज्यादा है अभी भी मोदी जी के पार्टी में टीम, अरे अभागा कैसे प्रोपगेंडा फैलाते हो, शर्म नहीं आता है? रात में जब खाना खाते होगे और खाना खाते टाइम अगर कुछ ध्यान आता होगा या सोते टाइम ध्यान आता होगा तो नहीं लगता होगा कि इस देश को बेचने पर लगे हो तुम, तन को ना आता है, सबको उलझा के रख दिया दोस्तों। ऐसे ऐसी मीडिया हमारे देश को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा कि गुलाम करवाने में कोई कसर छोड़ेगा, बहुत कम वक्त होगा, क्योंकि इस देश का चौथा स्तंभ जब इतना गिर चुका है तो देश को कितना गिरा देगा। और हम आप जब ये न्यूज को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि बात तो सही बोल रहा है, बहुत बढ़िया से बोल रहा था दोस्तों, सफेद कपड़ा पहन के भी काला झूठ बोला जा सकता है, बात को समझिए। और अगर आप नहीं समझिएगा
तो खाली हमने कहा ना कि 19 गो सिरही और एकरा गिरना है, ये दुनिया के सबसे गिरा हुआ मीडिया हो जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।